शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस विशेष मौके पर अवसर देने के लिए। एक छत पढ़ता हूँ कि आजकल की नई नई लेलाओं के सामने हमें रोब झाड़ने में बड़ा मजा आता है। हाय हाय, आजकल की नई नई लेलाओं के सामने हमें रोब झाड़ने में बड़ा मजा आता है और पहले से एक बार फटी हुई बनियान बार बार फाड़ने में बड़ा मजा आता है। ये तो हिंदुस्तानी मिडिल क्लास का सुख है भैया। तो बिना बात अपनी ही पत्नी पे रोज रोज जोर से दहाड़ने में बड़ा मजा आता है और दूसरों की छत पर बैठी हुई बीबियों को कसम से ताड़ने में बड़ा मजा आता है। वाह, निश्चित तौर पे ये मनीष, तुम संजय झाला को तुमने देखा होगा कुछ दिनों तक, उसी के बाद ये छंद तुमने लिखा होगा क्योंकि उसका छत का बड़ा पुराना रिश्ता है। एक और छंद पढ़ता हूँ कि फेसबुक पर एक लड़की पसंद आई, प्रतिदिन उसको सलाम भेजता रहा और सर्दियों के मौसम में अमरूद भेजे मैंने, गर्मियों में मीठे मीठे आम भेजता रहा, तो उसके बताए हुए एड्रेस पर सदा मन चाहे गिफ्ट ऑटो याम भेजता रहा और बाद में पता चला वो पड़ोसी का कल हुआ था जिसको मैं प्यार के पैगाम भेजता रहा। बहुत बढ़िया। और एक क्षण पढ़ता हूँ कि शादीशुदा आदमी का दर्द ना मिटा सके तो महंगी से महंगी दवाई किस काम की। शादीशुदा आदमी का दर्द ना मिटा सके तो महंगी से महंगी दवाई किस काम की और सर्दी के मौसम में ठंड ना बुझा सके तो मखमली रुई की रजाई किस काम की। और जिसे देखकर आई ना भी घबराने लगे चेहरे पे इतनी पुताई किस काम की। जिसे देखकर आई ना भी घबराने लगे चेहरे पे इतनी पुताई किस काम की और चुपके से जो पति की जेबों को टटोले रोज ऐसी लोभी लालची लुगाई किस काम की। और एक क्षण पढ़ता हूँ कि इंटर में पास होके कॉलेज गया तो मैंने चक्कर चला के एक परी को पटा लिया। इंटर में पास होके कॉलेज गया तो मैंने चक्कर चला के एक परी को पटा लिया और बात करती थी जब फोन पे वो मुझसे तो रोज पूछती थी मेरे मन्नू खाना खा लिया। बात करती थी जब फोन पे वो मुझसे तो रोज पूछती थी मेरे मन्नू खाना खा लिया और क्यूट क्यूट बोल मुझे बर्बाद कर डाला और फिर कहने लगी दूर हट कालिया। क्यूट क्यूट बोल मुझे बर्बाद कर डाला और फिर कहने लगी दूर हट का लिया, मुझे अब तेरी कोई जरूरत नहीं है, तुझसे भी अच्छा मैंने दूसरा पटा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया।